तो आज हम बात कर रहे हैं अपने एलईडी टीवी के सेटअप के बारे में। तो हाउ यू सेटअप अबाउट एलईडी टीवी। तो ये हमने बेस है हमारा, बेस के ऊपर अब हम एंगल लगाएंगे। एंगल पुटअप करो। ये हमने क्लैंप खोला और क्लैंप खोल के एंगल को पुटअप कर दिया। ये हमने स्टैंड लगा दिया इसमें। अब स्टैंड के ऊपर सेंटर स्टैंड लगाओ। ये ध्यान रखना है इसमें, यहाँ पे ये जो क्लैंप है वो अपोजिट साइड में हो, मतलब पीछे की तरफ हो और बिल्कुल सीधी हो। ये ऐसा ना हो कि इस साइड आ जाए या वगैरह में रहे। ये हमारा सेंटर पीस स्टैंड है, सेंटर पीस स्टैंड हम लगा देंगे। सेंटर पीस स्टैंड लगाओ। उसको क्लैंप को लूज़ करो, लूज़ करके आप अंदर ढालो इसको वजन से। अब जिस पोजीशन पे, जहाँ पे, जिस हाइट पे इसको रखना है उस हाइट पे क्लैंप को कस दो। तो ये हमारा स्टैंड तैयार हो गया। अब टीवी को ओपन करो। टीवी को ओपन करते टाइम उसके पीछे के हाथों से पकड़ के, एक हाथ हाथे में लगाना है और एक वैसे। तो ये बड़े ही ध्यान से, क्योंकि सबसे नाजुक चीज़ है। नीतीश इधर निकल के आओ, ये वायर हटाओ। अब इसको पैनल में लगाना है। ये पैनल में यहाँ पे टंग गया है टीवी। इसको पावर केबल लगाओ। बोर्ड लेकर नीतीश, ये वाला बोर्ड ले लो। ये नीतीश, ये वाला बोर्ड लो। टीवी के लिए ये अलग से बोर्ड है। तो अब हमने टीवी को स्टैंड पे पुटअप कर दिया है। हमने यहाँ पे पावर केबल पुटअप कर दी है। अबे उसमें गांठ लगी हुई है, नॉर्मल तरीके से खोलो उसको। चलो ठीक है। ये हमारा पेटी बॉक्स है। एक और पेटी को खोलना है इसको। ये हमारी पैकिंग बॉक्स है। तो अब हम सेटअप करेंगे। पेन ड्राइव लगाओ टीवी में। पेन ड्राइव से कनेक्ट कर दो। ये हम यहाँ पर पेन ड्राइव लगा रहे हैं। पेन ड्राइव का पेच है, ये इस तरफ से लगेगी और ये इस तरीके से इसमें पेन ड्राइव लगेगी। ठीक है, लग गई है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव लगने के बाद टीवी का अंदर लाइट आ गई है हमारे, और अब इसको रिमोट से हमें ऑन करना है। जिस टीवी को ऑन करना है, ऑन होने पे यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ जाएगा। दिस वन ब्लू सिग्नल, सॉरी, यहाँ पे ब्लू सिग्नल आ गया है और यहाँ पे ये आ जाता है जब टीवी में पेन ड्राइव लगी होगी। तो इसको टीवी को चेंज करना है तो यहाँ से मोड का ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, सोर्स कोड, दिस वन सोर्स कोड, सबसे ऊपर वाला स्विच है सोर्स कोड। ठीक है, अगर हमें कोई और सोर्स लगाना है तो इस सोर्स कोड वाले टीवी पे क्लिक करना है। ठीक है, और सोर्स कोड पर क्लिक करोगे तो ये चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कि हमें लगाना किस में है, ए वी सिस्टम में लगाना है, एस डी एम ए में लगाना है, यू एस पी में लगाना है, किस में लगाना है। तो हम बारी बारी से सोर्स कोड पर क्लिक करके हम इसके सोर्स कोड को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं ए सोर्स कोड पर, तो ये चेंज हो रहा है। अब हमें किस में चलाना है, यू एस पी, क्योंकि हमने पेन ड्राइव में लगाया है। पेन ड्राइव यू एस पी में चलेगा, तो यू एस पी मोड में हमने इसको एक्टिवेट कर देना है। यू एस पी दबाने के बाद ओके दबाओ। तो ओके दबाने के बाद वो पेन ड्राइव को रीड करना स्टार्ट कर देगा। अब पेन ड्राइव को उसने रीड कर लिया है,
पेन ड्राइव में उसने ऑप्शन दिखाया है कि ऑल फाइल देखना है तो ऑल फाइल में एक ऑप्शन आ रहा है, मूवी देखनी है तो मूवी ऑल, हम यहाँ पे जाएंगे मूवी में तो यहाँ पे मूवी का ऑप्शन आ रहा है। सी ड्राइव पे गए, अब मुझे कौन सी वीडियो वगैरह प्ले करनी है तो यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन जो आ रहे हैं, जो वीडियो है इस पेन ड्राइव में उसका ऑप्शन आ गया तो मैं यहाँ पे वीडियो प्ले कर लेता हूँ। तो ये वीडियो हमारे पास प्लेइंग का ऑप्शन आ गया, तो ये वीडियो को लोड करेगा। लोड करते टाइम थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है, अगर वीडियो हैवी है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो लोडिंग के बाद ये हमारी वीडियो प्ले हो गई है। इस टाइम क्योंकि कॉपीराइट का प्रॉब्लम आएगा, मैं वॉल्यूम कम कर लेता हूँ। इसमें वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो वॉल्यूम अप डाउन, ये वीडियो ब्लर थोड़ी सी इसलिए आ रही है क्योंकि ये मोबाइल से शूट की हुई वीडियो है। बाकी इस तरीके से आपको टीवी को सेटअप कर लेना है, जिस भी मोड में क्लाइंट कहे उस मोड में सेटअप कर लो, और सेटअप करके टीवी आपका रेडी हो गया। इस तरीके से आपके पास ये टीवी का ऑप्शन है, दूसरे टीवीज़ हैं, जो भी टीवीज़ आपके पास हैं वो रेडी करो, बात ख़त्म। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसकी पैकिंग बताते हैं। बंद करने के लिए पहले इसको पावर ऑफ करो, पावर कट गया है। ये यहाँ पे ध्यान रहे ये रेड आना ज़रूरी है, अगर ये रेड आ गया है तो ही बंद करना है, अदरवाइज़ नहीं। यहाँ पे रेड का आ गया है, अब रेड आ गया है तो इसको बंद करना है, ठीक है। उठाओ, हाँ पेन ड्राइव निकाल दो, थैंक यू। पावर केबल हटाओ, ये टीवी है हमारा लॉयड का। पैकिंग करते टाइम थोड़ा सा ध्यान से पैकिंग करना है। नहीं वो नीचे वही है, हैंडल को पकड़ते हुए बहुत ध्यान से, क्योंकि सबसे नाजुक चीज है। ठीक है, ये पैक हो गया। अगर हमें इसे टेबल पे लगाना हो, क्योंकि ये तो हमारे स्टैंड का ऑप्शन है, और अगर हमें इसे टेबल पे लगाना हो, टेबल पे लगाने के लिए हमारे पास ये वाला स्टैंड है, दिस वन स्टैंड। ये स्टैंड खोल रहे हैं नितिश, तो अगर हमें इसको स्टैंड टीवी टेबल पे लगाना है तो हमने ये स्टैंड हमने रखना है, ठीक है। और इसको ये हमारे वो है पोर्शंस है, ठीक है। इसके ये क्लिप्स गैप है, क्लिप्स गैप को हमें मैच करना है, ये यहाँ पे मैच हो जाएगा। बड़े वाला इसमें तीन साइज है, ये बड़े वाला जो है ये इस साइड आएगा, दिस वन, इससे मैच करना चाहिए। ये मैच हो गया, ठीक है, यहाँ पे डल जाएगा। और फिर इसका टीवी का बैक दिखाना, बैक देना, ये इसके ऊपर लग जाएगा पोर्शंस ये, और ये जो स्टैंड है यहाँ पे टीवी नट बोल्ट से टीवी के ऊपर कस दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से टीवी सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको टेबल पे पुट अप कर सकते हैं।